सब्सक्राइब करें हमारे स्टेट मीडिया चैनल को, देखिए देश विदेश की बड़ी खबरें। डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम सीगरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंच बनाए जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी के जनप्रिय वरिष्ठ नेता अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार के मध्यान्ह बिसिगरा थाना स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक पर माल्यार्पण करने के तत्पश्चात विरोध प्रदर्शन शुरू किया। और जैसे ही कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल अजय राय के नेतृत्व में डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम सीगरा की तरफ आगे बढ़ा, वैसे ही भारी भरकम संख्या पर पहले से तैनात पुलिस प्रशासन ने 144 धारा बताकर कांग्रेसियों को आगे जाने से मना कर दिया। हमारे शहीद मोहम्मद शहीद जैसा खिलाड़ी, अभी ललित उपाध्याय जैसा खिलाड़ी और न जाने कितने खिलाड़ी साथी अन्य अन्य फील्ड के यहाँ से निकले हैं, जो अपनी इस काशी का नाम, बनारस का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। ओलंपिक में मेडल लेके अभी ललित उपाध्याय आए हैं हमारे बनारस के। आज उस मैदान को बर्बाद किया जा रहा है, वहाँ सभा कराई जा रही है। मोदी जी सभा करके बनारस को बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे। हम लोगों का ये है कि आप सभा करिए, पर आप खेल के मैदान को मत उजाड़िए, खिलाड़ियों का भविष्य मत खराब करिए। इसके विरोध में आज हम कांग्रेस के जन पदयात्रा करेंगे और चल के अपना विरोध दर्ज कराएंगे। इसके पहले भी DLW में एक सभा हुई थी, आप गए थे, उसका भी विरोध किए थे, तो क्या लगता है कि स्टेडियम सभा करने के लिए प्रधानमंत्री जी को ज़्यादा रास आ रहा है? आप ये बताओ ना कि इसके पहले भी कभी भी बनारस से प्रधानमंत्री आए हैं, सभाएँ हुई हैं, कहीं स्टेडियम का इस्तेमाल हुआ आज तक? आज तक कभी जो DLW था अभी उसका नाम बदल के BLW कर दिया, उसमें कभी सभा हुई है आज तक? पहले मोदी जी के पहले संपूर्णानंद के जो मैदान में इन्होंने आके सभा किया, ये पूरी और पूरा आज के दिन में आप BLW और DLW के लोगों से पूछेंगे, आज तक वो सभा स्थल, वो मैदान आज तक ठीक नहीं हुआ। आज तक जिसका जैसे ही था, आज भी वो पूरा के पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया उस मैदान को। वही हाल यहाँ न करें, उसके लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि भाई उसको अगर आप उजाड़ रहे हैं तो जाने के बाद 10 दिन के अंदर ठीक करिए, नहीं तो कांग्रेस के लोग अपने श्रम से, अपने पैसे से मेहनत करके उस मैदान को ठीक कराएंगे। प्रधानमंत्री जी 1800 करोड़ का सौगात देने आ रहे काशी की जनता को, 1800 कम है, उनको 18,000 करोड़ का देना चाहिए। हम काशी के लोग मांग करेंगे, पर वो ऐसा दें कि बनारस के लोगों को सचमुच उसका फ़ायदा मिले, कि न केवल पानी, अभी शहर में आधा से ज़्यादा आबादी को पीने का पानी साफ नहीं मिल रहा है, इससे पहले भी और इस सड़कें टूट जाती है, जब आते हैं तो सड़कें बनती है, गड्ढे में आप लोग गिर जाते हो, आप पत्रकार भाई हो, आप बताओ कितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ, कितने लोगों के हाथ पैर टूट गए, और आज शहर में पीने का पानी साफ नहीं है, आज कहीं धंधे रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं है, केवल बड़ी बड़ी बात करना आकर बनारस के अंदर। रोपवे लगेगा बनारस में, अब बताओ रोपवे, अभी आपने देखा ना कि अभी बाबा धाम में, बैजनाथ धाम में रोपवे फंस गया था, अभी मैहर देवी में रोपवे फंस गया था, तो क्या बनारस में भी वही पुनरावृत्ति होगी? हम लोग चाहते हैं कि बनारस अच्छा शहर है, हमारे भाइयों, हम आप सबका, हमारा आपका शहर है, जो जानता हो काशी को, बाहर का व्यक्ति बनारस की सभ्यता से, संस्कृति से कभी वाकिफ नहीं हो पाएगा। बनारस का लाल जो होगा, आप सब लोग हो, हम सब लोग हैं, बनारस के बेटे हैं, बनारस को क्या चाहिए ये बनारस के लोगों से वो पूछेंगे तो उनको सही राय मिलेगी। पर बनारस के लोगों से राय लेना नहीं है, वो केवल गुजरात के लोग हैं जिनसे वो राय लेते हैं और उस हिसाब से काम करते हैं।